नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की खास खबरों के साथ, जहां चीन सीमा पर भारत ने 3 साल में 295 रोड प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी ने बताया है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन सीमा पर तैयार 300 प्रोजेक्ट पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगले 4 महीने में 60 और प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। काम तेजी से चल रहा है और ऐसे ही काम चलता रहा तो 3-4 साल में चीन को भी भारत पीछे छोड़ देगा। अलगाववादियों के ओसीआई कार्ड को कैंसिल करने की तैयारी में भारत है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत सरकार कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की पहचान करके उनका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड को कैंसिल करने की तैयारी में है। सरकार के इस कदम से ये आतंकी भारत नहीं आ पाएंगे। इससे पहले एनआईए ने 20 सितंबर को भी 11 गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। राहुल गांधी ने बताया है कि क्लोज फाइट क्या है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा गया है कि तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें ये यकीन है कि जीत कांग्रेस की ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि कानून सरल भाषा में होना चाहिए, कोर्ट के फैसले भी आसान भाषा में होना चाहिए जिससे लोग समझ सके और उल्लंघन से बच सके। जस्टिस संजीव खन्ना ने इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस में स्पीच के दौरान ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुकदमेबाजी और कानूनी पेशे का बिजनेस चिंता का विषय है। मुकदमे की बढ़ती लागत और वकीलों की मनमानी फीस की वजह से कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। ये इंसाफ के रास्ते में बड़ी बाधा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को 10 में से 18 टिंग देते हुए पटनायक ने केंद्र की विदेश नीति और भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे कामों को काफी ज्यादा सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अफ्रीकी संघ को G20 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किए जाने और भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा बनाए जाने का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने आर्थिक गलियारों की G20 को सुझाव दिया है। इतिहास ये याद रखेगा कि इसकी शुरुआत भारत की धरती पर हुई। लोकसभा अध्यक्ष से बीएसपी सांसद दानिश अली के बर्ताव की जांच का अनुरोध करने वाले बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़ने के बीच अली ने दावा किया है कि सदन के बाहर उनकी लिंचिंग के लिए विमर्श तैयार किया जा रहा। इसी के साथ ही दानिश ने अपने खिलाफ इस आरोपों को निराधार बताया कि उन्होंने विधूड़ी को उकसाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मार ली है। 99 रन से ऑस्ट्रेलिया को मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त कर ली है। इसी के साथ ही टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 399 रन बना लिए हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को 400 रन का टारगेट दे दिया था, लेकिन बारिश के कारण उसे DLS से 33 ओवर में 317 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। इसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 28.2 ओवर में 217 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने खेली शतकीय पारियां। यमुना एक्सप्रेसवे स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई मोटो जीपी भारत इंटरनेशनल बाइक रेस में इटली के स्टार राइडर मार्को बेजेकी ने खिताब को अपने नाम कर लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्को बेजेकी को ट्रॉफी प्रदान की है। 2000 बाइक के चैंपियन फ्रांसिस्को और बगानिया 8 लैप शेष रहते हुए रेस से बाहर हो गए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने उदयपुर में शादी कर ली है। राघव 18 नवों में अपनी बारात लेकर के लीला पैलेस पहुंचे। बारात में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी थिरकते हुए दिखाई दिए। राघव ने क्रीम कलर की शेरवानी और परिणीति ने क्रीम कलर का लहंगा पहना था। वही वरमाला के बाद राघव विंटेज कार में मंडप तक पहुंचे और परिणीति के साथ साथ फेरे लिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।